नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि अलग अलग समाचार पत्रों और मीडिया से कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से लड़ने में विफल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कीजिए और देखते रहिए। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। चीन सीमा विवाद पर बोले राजनाथ, भारत हर कदम उठाने को तैयार, झुकने नहीं देंगे देश का सिर। साथ ही आगे देखिए, अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज, सांस लेने में दिक्कत के कारण हुए थे भर्ती। और साथ ही देखिए दोस्तों, बिहार में लोग मजे के लिए बाहर जाते हैं, सुशील मोदी के पुराने बयान पर आरजेडी ने बोला है हमला। इसके अलावा दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि अवैसी का आरोप, चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर किया है कब्जा। और साथ ही आगे देखिए दोस्तों, पूर्व सीएम के बेटों के सामने अपने पिता की विरासत बचाए रखने की होगी चुनौती। और जानिए कि सत्येंद्र जैन ने ऐसा क्यों कहा कि दिल्ली में अगले 10 से 15 दिनों तक और बढ़ेंगे कोरोना संक्रमण। और साथ ही दोस्तों, कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते आज आधी रात से मुंबई में धारा 144 लागू। और साथ ही जानेंगे कि भारत में कब तक आएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। और भी कई बड़ी खबरें हम आपको बताने वाले हैं, हर खबर आपके लिए है बहुत जरूरी, इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। इसी के साथ दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन सीमा विवाद पर बोले राजनाथ, भारत हर कदम उठाने को तैयार, झुकने नहीं देंगे देश का सिर। दोस्तों आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र का गुरुवार को चौथा दिन था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ जारी गतिरोध पर राज्यसभा में बयान दिया। राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में दिए अपने बयान में कहा कि हम पूर्वी लद्दाख में चुनौती का सामना कर रहे हैं, हम मुद्दे का शांति ढंग से हल करना चाहते हैं और हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डट कर खड़े हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा लद्दाख में किए हुए है। उन्होंने आगे कहा कि अभी तक भारत और चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में साझा रूप से चिन्हित वास्तविक नियंत्रण रेखा नहीं है और वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर दोनों पक्षों की समझ अलग अलग है, इसलिए शांति बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह के समझौते और प्रोटोकॉल हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं देश के 130 करोड़ लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देंगे और न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने गलवान में चीन को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मैं देशवासियों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी सशस्त्र बलों के जवानों का जोश और हौसला बुलंद है, हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों जिस तरीके से हमारे वीर जवानों ने चीन को सबक सिखाया है, वाकई में ये काबिले तारीफ है और दोस्तों हमें इन पर गर्व है। दोस्तों इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगर आगे बढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अमित शाह एम्स से डिस्चार्ज, सांस लेने में दिक्कत के कारण हुए थे भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली स्थित एम्स से डिस्चार्ज हो गए हैं। कुछ दिनों से एम्स में उनका इलाज चल रहा था, सांस लेने में दिक्कत आने के बाद उन्हें एम्स में दाखिल कराया गया था, अब उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। पिछले दिनों अमित शाह कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन कोविड का इलाज कराकर घर लौटे अमित शाह को सांस लेने में तकलीफ के चलते एम्स में भर्ती किया गया था और अमित शाह को बीते शनिवार रात को 11 बजे एम्स में भर्ती किया गया। सूत्रों का कहना था कि कोरोना संक्रमण के उभरने के बाद अमित शाह को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके बाद वे एम्स में दाखिल हुए। एम्स में डॉक्टरों की एक टीम ने उन्हें गहन निगरानी में रखा। अमित शाह को एम्स में कार्डियो न्यूरो टावर में भर्ती कराया गया था। आपको बता दें कि अगस्त महीने में गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीबन दो हफ्ते में ही अमित शाह ने कोरोना को मात दी और 14 अगस्त को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसके बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई। बाद में सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें एम्स में दाखिल होना पड़ा था। दोस्तों महामारी हमारे देश में बहुत तेजी से फैल रही है, ये अमीर और गरीब बिल्कुल नहीं देखती, इसलिए जब भी आप घर से बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें और मास्क जरूर पहनें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बिहार के लोग मजे के लिए बाहर जाते हैं, सुशील मोदी के पुराने बयान पर आरजेडी ने बोला हमला। बिहार चुनाव आते ही राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है, अब परिणाम के बाद तक जाने अनजाने में नेता ऐसे बयान देते रहेंगे जो चर्चा का विषय बनेंगे या फिर विवाद का कारण बनेंगे। अब बिहार के उप मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिससे कि राजद को उन्हें घेरने का मौका मिल गया है। राजद के साथ विपक्षी पार्टियां भी सुशील मोदी पर निशाना साधने लगी हैं। राजद ने
सुशील मोदी का एक वीडियो शेयर करके ट्विटर के जरिए उन पर निशाना साधा है। हुआ यूं कि एक इंटरव्यू के दौरान सुशील मोदी कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की परंपरा रही है कि यहां के लोग बाहर जाकर काम करने में आनंद लेते हैं। उनको अच्छा लगता है, किसी को ज्यादा पैसे कमाने हो या 2 जून की रोटी से अधिक कमाना हो तो वह बाहर ही जाता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सुशील मोदी के इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने कहा कि बिहार के लोगों को पलायन करने में मजा आता है और रोजी रोटी के लिए बिहारी पलायन नहीं करते। इन मानसिक रूप से दिवालिया सज्जन की माने तो बिहार वासियों को घर परिवार के साथ रहना काटता है और बिहारी मौज मस्ती के लिए पलायन करते हैं, मजे के लिए ही हजारों किलोमीटर भूखे प्यासे गर्मी में लौटे। सुशील मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने कहा कि सुशील तो खुद बिहार के नहीं है, ऐसे में वे बिहार के लोगों का दर्द कैसे समझ पाएंगे। अगर सुशील चुनाव लड़ते और जनता के बीच में जाते तब तो उन्हें जनता का हाल पता चलता, वो तो पिछले दरवाजे से आकर राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि अध्यादेश का विरोध करेगी एसएडी। अमरिंदर बोले एनडीए छोड़कर दिखाएं। कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदेश में विवाद बढ़ता जा रहा है। किसान सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल को एनडीए गठबंधन छोड़ने की चुनौती दी है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि गुरुवार को एक बयान जारी करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि बादल परिवार अब भी सरकार के साथ चिपके हुए हैं, जबकि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ बिल लाने जा रही है। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल में नौटंकी से पंजाब के किसानों का नुकसान वापस नहीं होगा जो उन्होंने पहले किया है। दरअसल कृषि अध्यादेश को लेकर सभी राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में आ गए हैं। कांग्रेस और पंजाब सरकार किसानों के साथ है, वहीं पंजाब में विपक्षी अकाली दल भी इस मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़ी है। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद अकाली दल ने कृषि अध्यादेशों से जुड़े बिल पर सरकार का विरोध करने का ऐलान किया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी को निरंकुश शासक क्यों बोले रणदीप सुरजेवाला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि किसानों से जुड़े 3 अहम बिल फिलहाल संसद में पेश कर दिए गए हैं। सरकार इन्हें पास कराने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ किसान इन बिलों का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन कानूनों को लेकर पीएम मोदी को घेरा है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, बड़े से बड़ा निरंकुश शासक भी जन्मदिन पर रहम दिल व्यवहार करता है। पीएम मोदी ऐसे अहंकारी शासक हैं जिन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर काला कानून बनाकर किसान मजदूरों की आजीविका छीन ली है। खेत खलिहान पर किए गए इस क्रूर आक्रमण के लिए देश बीजेपी की 7 पुश्तों को माफ नहीं करेगा, किसान विरोधी बीजेपी है। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी खुले तौर पर इसका विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने ऐलान किया कि संसद में उनकी पार्टी इन 3 विधेयकों के खिलाफ वोट करेगी। गुरुवार सुबह दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि खेती और किसानों से संबंधित 3 कानून संसद में लाए गए हैं जो किसान विरोधी हैं। देश भर में किसान इनका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार को इन 3 कानूनों को वापस लेना चाहिए। आम आदमी पार्टी संसद में इनके विरोध में वोट करेगी। दोस्तों अगर आप किसानों के साथ हैं और इस बिल का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना समर्थन दर्ज जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अवैसी का आरोप, चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर किया है कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर तनाव के बीच विपक्ष ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। AIMIM के नेता अवैसी ने आरोप लगाया कि चीन ने 1000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है, जिसमें 900 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र डेपसांग में ही है। AIMIM के नेता अवैसी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दिए अपने बयान में डेपसांग का जिक्र नहीं किया। प्रधानमंत्री, ये आपके लिए असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन इस समय आप संसद को पूरी जानकारी देने से रोक रहे हैं, आप सांसदों के प्रति जवाबदेह हैं। गौरतलब है कि लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि चीन ने भारत की 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं है और चीन भारत की सीमा से लगे लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन को अपनी बताता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि पूर्व सीएम के बेटों के सामने अपने पिता की विरासत बचाए रखने की चुनौती। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ गई है। सूबे की सत्ता की कमान संभाल चुके पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे भी सियासी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इनके सामने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती है। जगन्नाथ मिश्रा से लेकर लालू प्रसाद यादव और दरोगा प्रसाद राय जैसे नेताओं के वारिस किस्मत आजमाने के लिए सियासी समीकरण बनाने में जुटे हैं। ऐसे में विरासत से सियासत संभालने वाले नेताओं का भविष्य टिका हुआ है।
दोस्तों इस बार आपको बता दें कि बिहार में इस बार सियासी लड़ाई काफी अहम होती जा रही है। इस बार सबकी नजर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पर है, क्योंकि पिता के जेल में होने से इन्हें खुद के साथ साथ पार्टी को भी जिताने की चुनौती है। पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय के बेटे पूर्व मंत्री चंद्रिका राय आरजेडी छोड़कर नीतीश कुमार का हाथ थाम चुके हैं। साथ ही पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी एक बार फिर से बीजेपी से अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि दिल्ली में अगले 10 से 15 दिनों तक और बढ़ेंगे कोरोना संक्रमण के मामले। जानिए सत्येंद्र जैन ने ऐसा क्यों कहा। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अभी कुछ दिनों तक मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। उनका कहना है कि अब तक दिल्ली में 4 बार टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जा चुकी है। सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में हमने टेस्टिंग को 4 गुना बढ़ा दिया है। हम मानकर ये चल रहे हैं कि 10 से 15 दिनों में इसका असर दिखेगा। एक्टिव केस अभी और बढ़ेंगे, लेकिन इससे ये होगा कि जितने भी पॉजिटिव केस हैं, उन्हें हम आइसोलेट कर पाएंगे। अगले 10 से 15 दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम दिखेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन ने बताया कि बुधवार को दिल्ली में 4,473 केस आए थे। बुधवार को 62,593 टेस्ट हुए थे, जबकि 16 सितंबर को 7.15% पॉजिटिविटी रेट रही थी। 3,313 लोग ठीक हुए थे। पिछले 10 दिन के आंकड़ों के अनुसार डेथ रेट 0.7% है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, पीएम नरेंद्र मोदी ने मित्रों संग मित्रता की है और शत्रुओं को घर में घुसकर सबक सिखाया। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में दिव्यांगजनों को ट्राइसिकल, व्हीलचेयर और स्मार्टफोन के साथ अन्य उपकरणों का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया। दोस्तों यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कहा कि पीएम मोदी के कुशल और दूरगामी सोच वाले नेतृत्व की बदौलत ही देश में 6 साल से बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन की धमक विश्व में सुनाई भी दे रही है और लगभग सभी विकसित देश पीएम मोदी की कार्यशैली के मुरीद हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वैश्विक स्तर पर भारत को नई पहचान दिलाने वाले प्रधानमंत्री मोदी के इरादे स्पष्ट हैं। जो मित्रता का भाव रखते हैं उनसे मित्रता निभाई जा रही है, और जो शत्रुता रखते हैं उन्हें घर में घुसकर सबक सिखाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते आज आधी रात से मुंबई में धारा 144 लागू। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के चलते मुंबई में गुरुवार की आधी रात से धारा 144 लागू करने का फैसला लिया गया है। इसके लागू होने के बाद अब देश की आर्थिक राजधानी में एक जगह कहीं भी भीड़ नहीं जुट सकती है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश के मुताबिक पुलिस को धारा 144 को सख्ती से लागू करना होगा। शहर में अनलॉक के दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि भारत सरकार की गाइडलाइंस में जिन लोगों को छूट दी गई है उनकी सभी तरह की छूट जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि धारा 144 लागू होने के बाद मुंबई पुलिस आयुक्त के दायरे में आने वाले सभी क्षेत्रों में भीड़ जुटने पर पुलिस कार्रवाई करेगी। आदेश के मुताबिक मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान एक जगह पर ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि रवि किशन और कंगना रनौत का समर्थन करते हुए जया प्रदा का जया बच्चन परिवार कहा कि अमर सिंह के वक्त पर कहां थी। दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद से बॉलीवुड में जारी बहस संसद तक पहुंच गई है, जहां राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने एक बयान दिया, जिसके बाद अभिनेत्री कंगना रनौत ने उन्हें जवाब दिया। मंगलवार को जया बच्चन ने शून्यकाल के दौरान अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन और कंगना रनौत का नाम लिए बिना ही उनके बयानों पर पलटवार किया था। ऐसे में अब इस पूरे विवाद में पूर्व सांसद और अभिनेत्री जया प्रदा की भी एंट्री हो गई है। दरअसल हाल ही में जया प्रदा ने एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। अपने इंटरव्यू में जया प्रदा ने जया बच्चन पर तीखे वार किए। इंटरव्यू के दौरान जया प्रदा ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर अमर सिंह तक का जिक्र किया। वहीं जया प्रदा ने अपनी फिल्मी करियर का भी एक हैरान करने वाला किस्सा सुनाया और बताया कि उनको भी एक फिल्म में आधा शूट करने के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। जया प्रदा ने इंटरव्यू में कहा कि रवि किशन ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जया बच्चन किस थाली की बात कर रही हैं? आजम खान ने जब मेरे ऊपर टिप्पणी की थी तब जया बच्चन कहाँ थी? बात सुनकर ऐसा लगा कि जया बच्चन ने अखिलेश यादव बोल रहे हैं। जया बच्चन को ड्रग्स के खिलाफ आगे आना चाहिए। इसके साथ ही जया प्रदा ने कहा कि पद के लिए जया बच्चन ने अमर सिंह को छोड़ा था और कंगना रनौत के समर्थन में क्यों नहीं है जया बच्चन? ड्रग्स के खिलाफ जारी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि भारत में कब तक आएगी कोरोना वायरस की वैक्सीन? स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यसभा में दिया जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त में भारत में कोरोना के 30 करोड़ मामले और 50 से 60 लाख मौतों की बात कही गई। मौजूदा समय में भारत में रोजाना कोरोना के 11 लाख टेस्ट हो रहे हैं।
हमसे ज्यादा बस अमेरिका एक दिन 5 करोड़ टेस्ट करवाता है। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हम जल्द ही अमेरिका को टेस्टिंग के मामले में पीछे छोड़ देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत में कोरोना के प्रबंध में बिल्कुल भी देरी नहीं की। उन्होंने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 7 जनवरी को कोरोना के पहले मामले का जिक्र किया और हमने 8 जनवरी से ही बैठकें करनी शुरू कर दी। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि कोविड-19 से होने वाली मौत की दर फिलहाल दुनिया के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम यानी कि 1.64% है और सरकार का लक्ष्य इस मृत्यु दर को घटाकर 1% से भी कम करना है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार भारत में अमेरिका की तुलना में अधिक कोविड जांच करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगले साल की शुरुआत में भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में आर पार के लिए तैयार। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने कहा कि वह सर्दी में भी आर पार की जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर चीन ने युद्ध के हालात पैदा किए तो उसे उच्च प्रशिक्षित बेहतर ढंग से तैयार और मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत भारतीय सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि सेना की उत्तरी कमान ने बुधवार को कहा कि अधिकतर चीनी सैनिक शहरी इलाकों से हैं। वे जमीनी दिक्कतों से वाकिफ नहीं होते और न ही लंबे समय तक तैनात रहने के आदी होते हैं। चीन की नीति हमेशा से बिना लड़े युद्ध जीतने की रही है। ऐसे में युद्ध की स्थिति बनी तो उन्हें मुकाबला मजबूत भारतीय सैनिकों से होगा। उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने कहा कि भारत पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है, संवाद से समाधान को तरजीह देता है। सीमा विवाद पर चीन से वार्ता जारी है। जहां तक सेना की बात है तो लंबे गतिरोध के लिए तैयार हैं। उत्तरी कमान ने ये बातें चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की उस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा जिसमें कहा गया था कि भारत सर्दियों में प्रभावी ढंग से लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। उत्तरी कमान के प्रवक्ता ने कहा कि ये दम का जीता जागता उदाहरण है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ दक्षिणी कोंकण गोवा के कुछ हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की गयी। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक मराठवाड़ा तेलंगाना तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और दक्षिणी पूर्व मध्य प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश के बीच एक दो स्थानों पर भारी बारिश हुई। उत्तर प्रदेश शेष पूर्वोत्तर भारत गंगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा के कुछ हिस्सों आंध्र प्रदेश तेलंगाना केरल तटीय कर्नाटक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप दक्षिणी और पूर्वी मध्य प्रदेश दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तराखंड और गुजरात के कुछ हिस्सों और तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल सिक्किम असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश होने के आसार हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इन भागों में एक दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी बारिश भी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तटीय कर्नाटक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों तेलंगाना लक्षद्वीप पूर्वी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। उड़ीसा गंगे पश्चिम बंगाल विदर्भ मराठवाड़ा गुजरात के कुछ हिस्सों और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।